सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, फिर से आपके पास स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो का काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मिनी स्पाइडर लाइट, यानी ये एलईडी की है स्पाइडर लाइट। आप इसे छोटा सा आरपी भी कह सकते हैं अगर आप कहना चाहें। बेसिकली काम ही ये वही करती है, यानी लगभग आप सेम ही मान के चलिए। और ये है, मतलब इसके अंदर चार चार आपको देखने को मिलेगी एलईडी वाली, जैसे आरपी में होती है, तो उस टाइप की होने वाली है। आप इसको डीजे पे यूज कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आप चाहे इसको मोबाइल डीजे पे, यानी जो आपके जो मोबाइल डीजे जो होते हैं कार डीजे, उस पे भी लगा सकते हैं। तो काफी अच्छे लगते हैं ये, और इसकी ग्लोइंग भी अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा चलो यार बनाते हैं। और ज्यादा प्राइस भी नहीं इसकी, तो प्राइस मैं बताऊंगा लास्ट में, टेस्टिंग उससे पहले, अनबॉक्सिंग उससे पहले। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो नीचे दिए लाल कलर के बटन को जाकर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग पहले। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फीचर्स की मैं बात करूँ, वोल्टेज पे 90 से लेके 240 वोल्टेज पे काम करता है एट 50 और 60 हर्ट्ज पे। तो आप इसको मतलब नॉर्मल लाइट पे भी चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जो पावर है वो 40 वाट की है प्योरी टोटल, जो इसकी पावर कंजप्शन होगी। लाइट सोर्स ये मतलब 8 पीस के इसके अंदर लाइट है, यानी 8 लाइट लगी हुई होंगी इसके अंदर। 3 वाट की जो एलईडी लाइट होती है वो वाली, और लाइट कलर इसके अंदर आरजीबी डब्ल्यू वाली जो होती है 4-in-1 वाली, वो वाली मिलने को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, यानी आप इसको डीएमएक्स के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, मास्टर है, मास्टर स्लेव जो आप कहते हैं, ऑटो और साउंड पे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। और बाकी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के लिए मैं यहाँ से करता हूँ उसको अनरैप, थिंक सही है। तो आप ये देख सकते हैं, और इसको परचेज कहाँ से कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, आप ये देख सकते हैं, एक पावर पोर्ट। तो पावर पोर्ट को अभी हम रखते हैं साथ में, और इसकी क्वालिटी थोड़ी सी जांच लेते हैं हम। तो ओके है, क्वालिटी अच्छी रखी गई है, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पे आपको सबसे पहले लाइट देखने को मिलती है। ओके, ये लाइट भी मैं निकाल ही ले रहा हूँ पहले, और ये लाइट के साथ और भी कुछ सामान गिरा है, अभी मैं बताता हूँ आपको और क्या सामान हमें देखने को मिलता है। तो लाइट को भी मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिला था, उसको संभाल के रखना है, क्योंकि इस फंक्शन से ही आप इसको सेटिंग कर पाएंगे। यानी आप अगर कोई चैनल या चेंज वेंज चूज करना चाहें, तो ये फंक्शन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो इसको आपको संभाल के रखना है ध्यान से। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये क्लैंप, यानी आप इससे इसको हैंग कर सकते हैं। तो इसकी भी क्वालिटी हम देख लेते हैं, तो क्वालिटी अच्छी है इसकी। साथ के साथ यहाँ पे ये है एलंकी टाइप वाले बोल्ट, तो मजबूत होने वाले हैं। और अपने मैं लाइट को दिखाता हूँ, तो चलिए लाइट देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इस लाइट को, तो आप इस लाइट को देख सकते हैं। साइड में यहाँ पे स्पाइडर बना हुआ है, तो लोगो अच्छा लग रहा है, और ये यहाँ पे भी लोगो अच्छा लग रहा है स्पाइडर का। और साथ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डिस्प्ले, और डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी रखी गई है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं मेन्यू का बटन, अप एंड डाउन का बटन, साथ के साथ यहाँ पे इंटर का बटन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ मैं और दिखाऊं तो यहाँ पे आपको माइक, यानी जो इसका इनपुट होगा, यानी ये जो ऑडियो से चलेगा, तो वो ये यहाँ से आवाज़ से चलेगा। और अगर हम दोस्तों दूसरी साइड देखें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दूसरी साइड, आप देख सकते हैं ये है इनपुट, यानी पावर पोर्ट का, जिससे हम इसको चलाएंगे। ये है डीएमएक्स कंट्रोल के, इनपुट और आउटपुट आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो आप इसे डीएमएक्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपके पास एक पीस से इसके अंदर ज़्यादा हो तो आप इसको डीएमएक्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे दोस्तों ये इसका, यानी एक हैंग करने के लिए, यानी ये तो हो गया माउंट, जो इसके साथ रिंग आती है, ये हो गया। लेकिन आपको अगर ट्रस पे लगाना है इसको, तो ट्रस पे लगाने के लिए आपको ये भी परचेज करना होगा। अगर आपके पास नहीं है, तो बढ़िया क्वालिटी का आपको जो मिलेगा वो मैं एड्रेस बता दूंगा, यानी इसके साथ लाइट के साथ आपको ये भी मिलेगा। यानी इसकी जो प्राइस होगी, इसकी अलग प्राइस होगी, 110-150 रुपये की तकरीबन इसकी प्राइस होगी। और जो इसकी प्राइस होगी, यानी लाइट की प्राइस होगी, वो भी मैं बता दूंगा वीडियो के अंत तक। तो इसको परचेज कहाँ से करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी मैं इसको फिट कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, आप ये कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, यानी आप इसको जो होगा आपके जो ट्रस होगी पाइप, उस पर कुछ ऐसे माउंट कर लेंगे, या फिर कुछ ऐसे माउंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे माउंट भी कर सकते हैं आप। आपको जैसे सुटेबल लगे, यानी आपको जैसे अच्छा लगे सजावट में, आप उसको इस तरीके से माउंट कर सकते हैं।
तो आप ये क्वालिटी देख सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों ये जो लाइट है ना यहाँ पे, ये है एल्युमिनियम के पीछे की जो बैक साइड है इसकी, वो एल्युमिनियम से बनाई गई है, क्योंकि जो LED लाइट होती है वो काफ़ी हीट हो जाती है, तो उसको ठंडा करने के लिए एल्युमिनियम सबसे बढ़िया स्रोत है, यानी हीट सिंक एल्युमिनियम की लगाई जाएगी तो ठंडा रहेगा, तो उसका भी इसमें इंतजाम कर रखा है। और कुछ आप इस टाइप का इसको क्लिप देख सकते हैं, और ये आप देखिए कुछ इस टाइप से हैंग हो जाएगा और ये यहाँ पे टाइट हो जाएगा ये वाला। और इसको परचेज करने के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले हम इसको करते हैं टेस्ट। तो टेस्टिंग देखते हैं कैसी है, उसकी ग्लोइंग कैसी है, मैं लाइट बंद करके टेस्ट दिखाता हूँ, तो चलिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से जल रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब एक जो मिनी सारबी टाइप होती है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाता हूँ इसकी क्या है कंडीशन। और क्वालिटी अच्छी है, मेरे को ये सबसे पसंद आया, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना वो काबिले तारीफ़ी है। आप ये देख सकते हैं, तो आपको कैसे लग रही क्वालिटी वो ज़रूर से ज़रूर बताइए, और इसकी जो ग्लोइंग है वो क्या आपको पसंद आ रही है तो वो ज़रूर ज़रूर अभी कमेंट करें, और साथ के साथ अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक मारें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चलते हैं आगे, और मैं इसकी प्राइस वाइज आपको बताता हूँ और कैसे परचेज करें, और कुछ है आपके लिए इसमें कुछ छूट मेरी तरफ से, तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी लाइट, मुझे उम्मीद है पसंद ही आई होगी। उसकी ग्लोइंग काफ़ी अच्छी थी विद हीट सिंक, ये यहाँ पे आप हीट सिंक देख रहे हैं, तो ये हीट सिंक का काम करती है ये एल्युमिनियम की जो यहाँ पे है। और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो है 5000 रुपये है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी मेरे डीजे व्लॉग की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको छूट ना मिले, तो यहाँ पे मेरी तरफ से है इस पे 10% का डिस्काउंट। तो आपको मैंने जो सेलर का नंबर है वो यहाँ पे आ रहा होगा, मेंशन हो रहा होगा, साथ के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस फ़ोन नंबर सब कुछ दे रखा है, तो वहाँ पर जाइए आप इसको परचेज करते समय आप बोल दीजिए कि मैं डीजे व्लॉग से हूँ, और कोड नंबर DJVlog02 आप ये बोल दीजिएगा, DJVlog02 आप ये बोल दीजिएगा, बस आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे ये क्लेम भी आप ले सकते हैं इसके साथ, यानी आप इसको जब हैंग करेंगे तो आपको परेशानी ना हो, तो आप ये एल्युमिनियम का क्लेम भी ले सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि इसकी भी साथ इसकी वीडियो बनानी चाहिए। तो आप ये दोनों चीज़ ले सकते हैं अगर आप परचेज करने जा रहे हैं, तो वो मेरे को जरूर से नीचे कमेंट बताना, साथ के साथ आपको कैसी लगी इसकी क्वालिटी वो मेरे लिए मायने रखती है। तो बिल्कुल बिल्कुल लिख दीजिए कमेंट में अपने क्वेश्चन हो, कोई भी सुझाव हो मेरे चैनल के लिए। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से एक लाइक करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो नीचे दे लाल करके बटन को जाकर सब्सक्राइब करें। मैं आता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।